94 painted grey ware that is pgw page 94 paleolithic page 94 pan islamism page 94 pargana page 95 pativedaka page Ninety five Patriline Page Ninety five Patta Page Ninety five Patvari Page Ninety six Permanent Settlement Page Ninety six Persian Page Ninety seven Plantation Planters Page Ninety Seven Plebiscite Page Ninety Seven Pogrom Page Ninety Eight Polyandry Page Ninety Eight Polygamy Polygeny Page Ninety Eight Prakrit, Page Ninety Eight, Prashasti, Page Ninety Eight, Pratiloma, Page Ninety Nine, Prehistory, Page Ninety Nine, Presidency, Presidencies, Page Ninety Nine. Primary source Page Ninety-Nine Primates Page Hundred Princely States Page Hundred Proletarianization Page Hundred Proletariat Page One Hundred One Protestant Page 101 Protestant Church, page 101 Proto History, page 101 Punch Marked Coins, page 102. Now let's move to the Dictionary of History, page 94. Pahikasht, see खोदकाश्त पाही काश्त देखें पाही काश्त मजीद देखें खुद काश्त पाइबोस सी सजदा पाइबोस सजदा देखें पाइबोस मजीद देखें सजदा पेंटेड ग्रे वेयर दैट इज PGW. The term refers to a type of pottery found over a large part of northern India with its greatest concentration in the eastern Punjab and the central Gangetic Valley. This variety of pottery occurs in deposits of the later second millennium and early first millennium BCE and is apparently associated. With the introduction and spread of iron. It is grey coloured, wheel made, thin walled pottery, decorated with geometric designs in red or black paint. Characteristic forms include shallow dishes and deep bowls. The distribution of the PGW coincides with the main areas occupied by later Vedic people. चित्रित धूसर पात्र ये एक प्रकार के मिट्टी के पात्र हैं जो वैसे तो उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से में पाए गए हैं लेकिन इनकी सबसे अधिक संख्या पूर्वी पंजाब और मध्यवर्ती गंगा घाटी में मिली है ये पात्र दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के परवर्ती भाग और पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक भाग के पुरा भंडारों में पाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके साथ ही लोहे के उपकरण आदि बनने शुरू हो गए थे और उनका प्रसार भी होने लगा था इन पात्रों का रंग धूसर होता है ये चाक निर्मित होते हैं इनकी दीवारें पतली होती हैं और ये लाल या काले रंग की जामितीय आकृतियों से सजे हुए होते हैं ये विशेष रूप से तश्तरियों और गहरे प्यालों के रूप में पाए गए हैं ये पात्र उन्हीं क्षेत्रों में पाए गए हैं जहां मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल के लोग रहा करते थे मिट्टी के खाक स्त्री रंग के बर्तन यानी पी जी डब्ल्यू इस इस्तिला से मुराद मिट्टी के बर्तन की एक किस्म है जो शुमाली हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों से बरामद हुई है लेकिन मशरकी पंजाब और वादय गंगा के वस्ती इलाक़ों में इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस किस्म के बर्तन दूसरे हज़ारे कबुल मसी के अविर और पहले हजारे कबुल मसी के अवाइल में बरामद हुए हैं जो वाज तौर पर धातकारी के आगाज़ और फ़रोग के साथ वाबस्ता थे ये खाकी रंग के चाक के जरिए तैयार किए गए बारीक दीवारदार कलीदसी नक्शों से मुजैन ख या सिया रंग के बर्तन हैं इनकी इम्तियाजी शक्लों में कम गहरी तश्तरियां और ज्यादा गहरे प्याले हैं काश्तकारी रंग के ये बर्तन यानी पी उन मखसूस इलाकों में दरियाफ्त हुए हैं जहां माबाद वेदिक लोग रहा करते थे पहली उलिथिक। पहली उलिथिक। Or the Old Stone Age represents the earliest and longest phase of human cultural development, extending from the first appearance of artifacts, 2.5 million years ago, to the end of the Pleistocene geological period, circa 10,000 years ago. ऑन द बेसिस ऑफ टूल टाइप्स एंड द मेथड ऑफ मेकिंग टूल्स दिस पीरियड इज जनरली सब इनटू इन द लोअर मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक फेसिसुग पुरापाषाण युग पुरापाषाण युग मानव सांस्कृतिक विकास के उस प्राचीनतम और लंबे दौर को कहा जाता है जो 25 लाख साल पहले जब सबसे पहले शिल्पकृति बनने लगी होंगी तब से लेकर अभिनूतन काल के अंत यानी दस हजार साल पहले तक था औजारों की किस्म और उन्हें बनाने के तरीके के आधार पर इस युग को आमतौर पर तीन चरणों अर्थात निम्न मध्य और उच्च पुरापाषाण में बांटा जाता है कदीम हिजरी दौर इंसानी सकाफत की तरक्की के कदीम और तवील तरीन दौर को बयान करता है जो पच्चीस साल कबल जब सबसे पहले मसनूआत तैयार होने लगे थे तब से लेकर वस्ती हयाती और अर्जी दौर के अख्ताम यानी दस हजार साल पहले तक था इकसाम औजार और औजार बनाने के तरीके की बुनियाद पर इस दौर की जैली तकसीम अमूमन अदना मुतवासित और आला हिजरी मरहले के तौर पर की जाती है पैन इस्लामिज्म The term refers to the idea of unity among the people following Islam across the world based on religious identity. Pan-Islamism had its beginning in the mid-19th century. This beginning is often attributed to the challenges which the Islamic societies faced on account of Western colonialism. इट्स एको वॉज फेल्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट दैट इज नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी इन रिसेंट टाइम्स बॉडीज लाइक दर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स हैव बिन फॉर्म्ड टू एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ पैन इस्लामिज्म सर्व इस्लामवाद ये शब्द विश्वभर में धार्मिक पहचान के आधार पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में एकता की भावना का सूचक है सर्व इस्लामवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुई थी इसकी शुरुआत का कारण अक्सर उन चुनौतियों को बताया जाता है जो इस्लामी समाजों को पाश्चात्य उपनिवेशवाद के कारण झेलनी पड़ी थी भारत में इसकी प्रतिध्वनि खिलाफत आंदोलन अर्थात 1919-20 के दौरान महसूस की गई आज के जमाने में इस्लामी राज्यों के संगठन जैसे निकाय सर्व इस्लामवाद के विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए बनाए गए हैं इतिहाद इस्लामी इस इतलाह से मुराद मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस्लाम के पैरुओं के माबीन इतिहाद कायम करने का एक नजरिया है इतिहाद इस्लामी की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के वस्त में हुई थी इस आगाज़ को अक्सर व बेशतर उन चैलेंजर्स का रद्द अमल तस्वर किया जाता है जिनका सामना इस्लामी समाज को मगरबी नौबादियात की वजह से करना पड़ा था उसकी बाज तहरीक खिलाफत के दौरान यानी 1919 ता 1920 हिंदुस्तान में सुनाई दी थी मौजूदा दिनों इतिहाद इस्लामी के नजरिए के इजहार के लिए तंजीम इस्लामी रियासत जैसी जमातों की तश्कील हुई है पेज 95 परगना। इन मेडिवल इंडिया द टर्म वॉज यूज्ड टू रेफर टू अ अफिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट द लोकल लेवल फ्रॉम द फोर्टीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स बिफोर द मुगल्स दिस यूनिट्स कॉरस्पॉन्डेड टू अबाउट 100 और 84 फोर विलेजेस under the mughals each sarkar was subdivided into a number of parganas with amils or karuris as the heads of their land administration these officers were mainly responsible for collection of revenue and promotion of agriculture in discharging these tasks they were assisted by the village headmen although the peasants were encouraged to deposit their revenues in the pargana treasury directly gradually मैनी ऑफ these परगना हेडक्वार्टर्स evolved into towns टाउन्स और see also सरकार परगना मध्यकालीन भारत में इस शब्द का प्रयोग चौदहवीं शताब्दी से स्थानीय स्तर पर एक राजकोषीय तथा प्रशासनिक इकाई के लिए किया जाता था मुगलों से पहले ऐसी इकाइयों में लगभग सौ या चौरासी गांव शामिल होते थे मुग़लों के शासनकाल में प्रत्येक सरकार कई परगनों में उपविभाजित होती थी और प्रत्येक परगना के भू प्रशासक को आमिल या करोड़ी कहा जाता था ये अधिकारी मुख्य रूप से राजस्व इकट्ठा करने और खेती को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार होते थे इन कर्तव्यों के पालन में गांव का मुखिया उनकी सहायता करता था तथापि किसानों को अपना राजस्व सीधे ही परगना के खजाने में जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था इन परगना मुख्यालयों में से अनेक मुख्यालय धीरे धीरे नगरों या कस्बों के रूप में विकसित हो गए सरकार भी देखें परगना ऐहदोवस्ता के हिंदुस्तान में इस स्थला का इस्तेमाल इलाकाई सतह की माली और इंतजामी इकाई के लिए चौदहवीं सदी से किया गया मुगलों से पहले ये इकाइयाँ 100 एक या चौरासी गांवों पर मुश्तमिल होती थीं मुग़ल दौर में हर सरकार को कई परगनाओं में तकसीम किया गया था और हर परगना में ज़मीन के इंतज़ाम व इंसराम के लिए वहाँ आमिल और करोड़ी को सदर के तौर पर मुक्र किया गया था ये अफ़सरान खास तौर पर मालगुज़ारी वसूल करने और ज़रात को फ़रोग देने के ज़िम्मेदार थे इन उमूर की अंजाम देही में गांव के मुखिया उनकी मदद करते थे हालांकि अपनी मालगुजारी परगना के खजाने में बराए रास्त जमा करने के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जाती थी रफ्ता रफ्ता उनमें से बहुत से परगनाओं के मरकजी दफातर शहरों या कस्बों के तौर पर तरक्की कर गए मजीद देखें सरकार Ashoka's inscriptions mention pativedakas who kept themselves informed of public opinion which they later transmitted to the king the pativedakas seem to have been spies or reporters who had access to the king at any moment and the king heavily relied on them pativedak prativedak ashok ke abhilekhon mein pativedak shabd ka पतिवेदक का काम जनता की राय के बारे में नवीनतम जानकारी रखना और उससे राजा को अवगत कराते रहना था पतिवेदक एक तरह के गुप्तचर होते थे जो राजा से कभी भी मिल सकते थे और राजा उन पर बहुत निर्भर रहता था पतिवेदक पतिवेदकों का जिक्र अशोक के कुतबों में मिलता है जो बाजात खुद राय आमा के बारे में ताज़ा तरीन हासिल करते थे और फिर उसे बादशाहों को बता दिया करते थे ऐसा मालूम होता है कि पति वेदक जासूस या मंजर होते थे जिनकी रसाई हर वक्त बादशाह तक होती थी और बादशाह उन पर काफी भरोसा करता था पेट्रिलिनी द टर्म मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन ग्रैंडसन एंड सोन पित्रिवंशिता पितृकुल से जुड़ी वंश परंपरा को पितृवंशिता कहा जाता है पदरंजबी भी. भी का मतलब ये है कि सिलाई नसब वालिद की तरफ से बेटे और पोते वगैरह की जानिब चले पट्टा द टर्म रेफर्स टू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द स्टेट और इट्स ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टू अ होल्डर ऑफ लैंड In medieval India, a patta issued to the peasant usually mentioned the area under cultivation, the crop grown, the amount of revenue to be paid, and the schedule of such payment. Under Shah Jahan and his successors, the duties of issuing patta, that is, deeds of lease, to the peasants and obtaining kabuliyat that is, deeds of acceptance from them, had been assigned to the Ameens. The practice helped the state in checking the actual collection of revenue made by the designated revenue collectors. The practice also continued under the British in the form of a document issued by the collector to the zamindars or by some other receiver of revenue to the cultivator or a tenant. that is one who takes a land on rent for cultivation specifying therein the term of land holding and the amount of revenue to be paid on such land see also amin patta इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसे सरकारी दस्तावेज से है जो किसी राज्य या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भूमि के धारक को दिया जाता है मध्यकालीन भारत में किसानों को दिए जाने वाले पट्टे में आमतौर पर खेत का क्षेत्रफल उसमें उगाई गई फसल सरकार को दिए जाने वाले राजस्व की राशि और उसके भुगतान की समय सारणी का उल्लेख होता था शाहजहां और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में किसानों को पट्टा देने और उनसे कबूलियत प्राप्त करने की जिम्मेदारी अमीनों को सौंपी गई थी इस पद्धति से राज्य को निर्दिष्ट राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए राजस्व की वास्तविक राशि की जांच करने में सहायता मिलती थी ये पद्धति ब्रिटिश शासनकाल में भी जारी रही जिसके अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जमींदार को अथवा किसी अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता द्वारा किसान या काश्तकार अर्थात जो खेती करने के लिए भाड़े पर जमीन लेता था को एक दस्तावेज जारी किया जाता था जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होता था कि भूमि धारण करने की अवधि क्या है और उस भूमि पर राजस्व के रूप में कितनी रकम अदा करनी होगी अमीन भी देखें पेज 96 पट्टा इस इस्तिला से मुराद सरकारी दस्तावेज है जो रियासत या रियासत के बाख्तियार नुमाइंदों के जरिए ज़मीन के मालिक के नाम जारी की जाती थी एहदोवस्ता के हिंदुस्तान में पट्टा किसानों के नाम जारी किया जाता था जिसमें आम तौर पर जेर काश्त इलाका पैदा की जाने वाली फसलों अदा की जाने वाली मालगुजारी की मकदार और उसकी अदायगी के वक्त का अंदराज होता था शाहजहाँ और उसके जानशीनों के दौर में किसानों के नाम पट्टा जारी करना और उनसे कबूलियत हासिल करना अमीनों के जिम्मे था यह तरीका मालगुजारी कनिंदगान के जरिए हासिल होने वाली असल मालगुजारी की निगरानी में मदद करता था यह तरीका बरतानवी दौर में भी दस्तावेज की शक्ल में जारी था जो कलेक्टर के जरिए जमीनवार को या दूसरे मालगुजारी वसूल कानिंदा के जरिए काश्तकार या किराएदार यानी जो खेती करने के लिए जमीन को किराए पर लेता था जारी किया जाता था जिस पर जमीन रखने से मुताल शराइ और इस तरह की जमीनों पर अदा की जाने वाली मालगुजारी की मकदार खास तौर पर दर्ज होती थी मजीद देखें अमीन पटवारी इन मिडीवल इंडिया द टर्म रेफर टू अ विलेज अकाउंटेंट ही में रजिस्टर्स दैट इज बही और बिही, मेंशनिंग देयर इन दफ रेवेन्यू दैट व कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजेस जियाउद्दीन बर्नी इन हिज बुक तारीख फिर इन फॉर्म्स दैट दीज रजिस्टर्स व रेगुलरली रेफर टू वाइल एग्जैक्टिंग द ड्यूज फ्रॉम ऑल विलेज लेवल रेवेन्यू कलेक्टर्स क्वाइट मर्सी अंडर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पटवारी मध्यकालीन भारत में गांव के लेखाकार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था वो अपने पास रजिस्टर अर्थात बही रखता था जिनमें इस बात का उल्लेख होता था कि ग्रामवासियों से राजस्व की कितनी राशि वसूल की गई है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज में लिखा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सभी ग्राम स्तरीय राजस्व संग्राहकों से राजस्व राशियां वसूल करते समय बाकायदा इन रजिस्टरों को देखा जाता था और उनसे बड़ी सख्ती से पाई पाई वसूल की जाती थी पटवारी ऐहदोवस्ता के हिंदुस्तान में इस इस्तला से मुराद गांव का मोहतसब था यह रजिस्टर यानी बही में गांव के बाशिंदों से वसूल की जाने वाली मराज करता था जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज शाही में बयान करता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में इन तमाम रजिस्टरों की तरफ बग़ैर किसी रो रियायत के पाबंदी के साथ रुजू किया जाता था जब गांव सतह के तमाम मालगुजारी वसूल करने वालों के कर्जों की सही मकदार मालूम करनी होती थी परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793 बाय गवर्नर जनरल चार्ल्स कन्वॉलिस वाज नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट under this system the zamidars were recognised as the actual owners of the land, and hence the settlement was made between the government and the zamidars. on their part the zamidars were made responsible for paying the annual revenue to the government, failing which their zamidaris could be terminated. These revenue demands between the government and the Zamindars were settled on a permanent basis, taking into account the actual collections that had been made in the year seventeen ninety ninety one. From the point of view of the East India Company, this settlement secured a stable annual income and created a class of loyal Zamindars. At the time of its introduction, it was also expected that the settlement would create among the Zamindars a genuine desire to develop the land and the lives of those cultivators who directly depended on it. However, the settlement foreclosed any future increase in government demand by making it permanently fixed. It also created multiple intermediaries between the Zamindars most of whom chose to live in cities rather than in their own zamidaris, and the cultivators who had to bear all the economic burdens by meeting the various demands of the zamidars and these intermediaries. Because of these demerits, the permanent settlement was not repeated in any other part of British India. Sthaibandubasth ये भू राजस्व निर्धारित करने की प्रणाली थी जो बंगाल में गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉनवालिस द्वारा सत्रह में, में लागू की गई थी इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया इसलिए यह बंदोबस्त सरकार और जमींदारों के बीच किया गया था इसके अनुसार सरकार को वार्षिक राजस्व अदा करने के लिए जमींदारों को उत्तरदायी माना जाता था और यदि कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं कर पाता था तो उसकी जिम्मेदारी खत्म की जा सकती थी सरकार और जमींदारों के बीच की ये राजस्व संबंधी मांगें वर्ष सत्रह सौ नब्बे में हुई राजस्व की वास्तविक वसूलियों को ध्यान में रखते हुए स्थायी आधार पर तय की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से इस बंदोबस्त से एक स्थायी वार्षिक आय सुनिश्चित हो गई और साथ ही वफादार जमींदारों का एक वर्ग तैयार हो गया इसे लागू किए जाने के समय ये भी आशा की गई थी कि इससे जमींदार अपनी इच्छा से भूमि का विकास करने के लिए प्रेरित होंगे और खेती के लिए उस पर निर्भर रहने वाले किसानों के जीवन में भी सुधार होगा किंतु राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय हो जाने के कारण भविष्य में सरकारी मांग में वृद्धि की संभावना समाप्त हो गई इस प्रणाली को अपनाए जाने से जमींदारों के बीच कई बिचौलिए पैदा हो गए जिनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी जमींदारियों में रहने की बजाय शहरों में रहना पसंद किया और किसानों को जमींदारों और इन बिचौलियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार का आर्थिक बोझ उठाने को मजबूर होना पड़ा इन दोषों के कारण स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को ब्रिटिश भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया गया पेज मुस्तकिल बंदोबस्त बंगाल में सत्रह सौ तिरानवे में गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉन्वेलिस के जरिए मालगुजारी मुकर्र करने के लिए जारी करदा निजाम को मुस्तकिल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था इस निजाम के तहत जमींदारों को जमीन का असल मालिक तस्लीम कर लिया गया था और उसी वजह से मालगुजारी के मामला हुकूमत और जमींदारों के ही दरमियान तक किए जाते थे हुकूमत को सालाना मालगुजारी अदा करने की जिम्मेदारी जमींदारों के सर थी और अदा ना करने की सूरत में उसकी जमींदारी खत्म भी की जा सकती थी सत्रह सो नब्बे इक्यानवे के दरमियान हासिल होने वाली मालगुजारी की असल मकदार के पेश नजर हुकूमत और ज़मींदारों के माबिन मालगुजारी की मांग मुस्तकिल तौर पर मुक्रर कर दी गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नुक़ नज़र से इस बंदोबस्त ने सालाना आमदनी को इस्तलाल फराहम किया और ज़मींदारों में एक वफादार तबके को जन्म दिया इस निजाम को पेश करते वक्त इस बात की तो की गई थी कि इससे ज़मीन और उन काश्तकारों को तरक्की देने का हकीकी जज्बा ज़मींदारों में पैदा होगा जिनका रास्त खेती पर था लेकिन मालगुजारी को मुस्तकिल बंदोबस्त की शक्ल देने के बाद भी मुस्तबिल में हुकूमत के मुतालबात में किसी तरह का इजाफा नहीं हुआ इसने ज़मींदारों के माबीन मतनू बिचौलियों को भी जन्म दिया जिनमें ज्यादातर अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा शहरों में रहने को तरजीह देते थे और काश्तकारों को जमींदारों और बिचौलियों की तरफ से होने वाली मुत्द मतालिबात पूरा करने के लिए तमाम तर माशी बार से दो चार होना पड़ता था इन खबरियों की वजह से मुस्किल बंदोबस्त को बरतानवी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं दोहराया गया पर्शियन द टर्म इज यूज इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द पीपल एंड देयर लैंग्वेज एंड कल्चर हु हेल्ड फ्रॉम पर्शिया दैट इज प्रेजेंट डे ईरान हिस्टोरिकली इंडियाज रिलेशन विद पर्शिया गोज बैक टू द फोर्थ सेंचुरी बी सी ई The Persian influence on Indian art and architecture is traced to this period. In medieval times, with the establishment of the Delhi Sultanate, the influence of Persian language, court etiquettes, came to play a significant role in India's history. Farsi. इस शब्द का प्रयोग उन लोगों और उनकी भाषा तथा संस्कृति के संदर्भ में किया जाता है जो फारस अर्थात आज का ईरान से आए थे या वहां रहते थे ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो फारस के साथ भारत का संबंध चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से रहा है भारतीय कला तथा स्थापत्य पर इसका प्रभाव इसी काल से खोजा जा सकता है मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ फारसी भाषा तथा दरबारी तहजीब ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फारसी इस इतलाह का इस्तेमाल उन अफराद और उनकी जबानों तहजीब के सियाक में किया जाता है जो फारिस यानी मौजूदा ईरान से आए थे तारीखी लिहाज से हिंदुस्तान का फारिस से ताल्लुक चौथी सदी कबल मसीह से है हिंदुस्तान के फन और फन तामीर में फारसी असरात का सुराग इसी दौर से मिलता है एहदोवस्ता में दहली सल्तनत के क्याम के साथ फारसी जबान और दरबारी तौर तरीकों ने हिंदुस्तान की तारीख में अहम किरदार अदा किया प्लांटेशन, प्लांटर्स, इन जनरल टर्म रेफर्स टू एन एरिया इन विच ट्रीज है During the colonial period, vast tracts of land had been acquired for such plantations across Asia, Africa, and the Americas to grow commercial crops such as indigo, tea, sugarcane, cotton, etc., to meet the demands of industrialization in Europe. The owners of these plantations are known as planters. Bagan, Bagan Malik. सामान्य रूप से इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसे इलाके से है जिसमें पेड़ विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लगाए जाते हैं औपनिवेशिक काल में ऐसे बागानों के लिए एशिया अफ्रीका और अमेरिका में विशाल भूखंड अर्जित किए गए थे इसका उद्देश्य यूरोप में औद्योगिकरण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनमें नील चाय गन्ना कपास जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाना था ऐसे बागानों के मालिकों को बागान मालिक कहा जाता था शज़रकारी, शज़रकार। इस तलाह से मुराद व रुकबा लिया जाता है जहां बिलखसूस तिजारती मकासद के तहत पौधे लगाए जाते हैं नौ नौबादियाती दौर में यूरोप में सनतकारी की जरूरतों की तकमील के लिए तिजारती फसलें मसलन नील चाय गन्ना और कपास वगैरह की खेती के लिए पूरे एशिया अफ्रीका और अमेरिका में बहुत बड़े इलाके हासिल किए गए थे उन बागात के मालिकों को शजरकार कहा जाता था प्लेबिसाइट द टर्म रेफर्स टू एन इवेंचुअलिटी व्हेन ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट आर कॉल्ड अपॉन टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल रेफर टू देम बाय द स्टेट और गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट वोट This is a method by which important questions of state, such as that of a region wishing to remain or secede from it, is settled. A plebiscite is also conducted by a government to obtain a popular mandate on an issue of national importance, instead of going through the usual political process. Dictators and totalitarian regimes also used plebiscite to acquire legitimacy. जनमत संग्रह इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसी वस्तु स्थिति से है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र सदस्यों को राज्य या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है ये एक तरीका है जिसके द्वारा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाया जाता है जैसे कि कोई क्षेत्र राज्य के भीतर रहना चाहता है या बाहर जाना चाहता है कभी कभी किसी सरकार द्वारा सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया को छोड़कर जनमत संग्रह द्वारा ही राष्ट्रीय महत्व के किसी मुद्दे पर जनादेश प्राप्त किया जाता है तानाशाहों और सर्वाधिकारवादी सत्ताओं द्वारा भी अपनी वैधता को सिद्ध करने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता था पेज। 98 राय धंदगी इस इस्तिला से मुराद इम्कानी सूरत हाल है जिसमें मजलिस इंतख्या के तमाम अहल अरकानों को रियासत या हुकूमत की जानब से उनके सामने पेश करदा तजवीज को बर रास्त वोट के जरिए कबूल या रद्द करने के लिए बुलाया जाता है यह एक तरीका कार है जिसके तहत बहुत से अहम सवालों का हल निकाला जाता है जैसे कोई इलाका रियासत से मुंसलिक रहना या उससे अलहेदा होना चाहता है हजब मामूल सियासी तरीके पर अमल करने के बजाय हुकूमत की जानब से भी कौमी अहमियत के हामिल मसाइल पर अवामी राय हासिल करने के लिए राय शुमारी कराई जाती है आमिर और मुतलकुल इनान हुकूमतें भी कानूनी तौर पर खुद को जायज़ करार देने के लिए राय शुमारी कराती थी This is a Russian word which literally means devastation or riot. In the late 19th and early 20th centuries, it was used to denote the anti Jewish violence that were allowed to happen unchecked in Tsarist Russia. Subsequently, the term also came to be used to describe anti Jewish violence in Poland and Germany during the regime of Hitler. पोग्रोम अर्थात सामूहिक हत्या पोग्रोम रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विनाश या दंगा इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जारकालीन रूस में यहूदियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर की गई बेरोक टोक हिंसा को दर्शाने के लिए किया गया था आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग हिटलर के शासन के दौरान जर्मनी और पोलैंड में हुई यहूदी विरोधी हिंसा के लिए भी किया जाने लगा इज्तिमाही मुंजिम कत्लेआम यह रूसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब तबाही व गारतगारी या फसाद है उन्नीसवीं सदी के अवाखिर और बीसवीं सदी के अवाइल में इस असलाह का इस्तेमाल उस यहूदी मुखालिफ तशद को जाहिर करने के लिए किया गया था जो रूस में जार के दौर में बगैर रोकथाम के जारी था बाद में इस इतलाह का इस्तेमाल हिटलर के दौरे हुकूमत में जर्मनी और पोलैंड में यहूदियों के खिलाफ होने वाले मजालिम के लिए भी किया गया पोलियंड्री द टर्म रेफर्स टू अ मैरिज सिस्टम विच अलाउ्ज अ वुमेन टू हैव मोर देन वन हजब साइमिलियसली बहुपति प्रथा विवाह की एक प्रणाली है जो स्त्री को एक साथ एक से अधिक पति रखने की अनुमति देती है कसीर शोहरी इस तलाह से मुराद शादी का एक निजाम है जिसमें औरत को बा एक वक्त एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत होती है पॉलीगैमी पॉलीजनी द टर्म रेफर्स टू अ मैरिज सिस्टम विच परमिट्स अ मैन टू हैव मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम इट वॉज वाइडली प्रैक्टिस्ड अमंग मेनी सेक्शंस ऑफ सोसायटी पर्टिकुलरली अमंग एरिस्टोक्रैट्स बहुविवाह प्रथा बहुपत्नी प्रथा ये विवाह की एक प्रणाली है जो पुरुष को एक साथ एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति देती है समाज के अनेक वर्गों विशेषतः अभिजात लोगों में ये व्यापक रूप से व्यवहार में थी अजवाज़ कसीर जोजियत इस अतला से मुराद शादी का एक निज़ाम है जिसमें मर्द को ब एक वक्त एक से ज्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त होती है समाज के मुख्तलिफ तबके बिलखसूस अशरफिया इस पे बहुत ज्यादा अमल करते थे प्रकृत अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड प्रकृति Meaning natural, used to designate an ancient language belonging to the Indo European family of languages, which had various dialects such as Shoraseni, Magadhi, Pali, and Maharashtri. Both the Buddha and Mahavira preached in Prakrit. One of the most well known Prakrit texts is Hala's Gatha that is, Gatha Saptashati. Prakrit. प्राकृत शब्द संस्कृत के प्रकृति शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्राकृतिक प्राकृत का प्रयोग उस प्राचीन भाषा के लिए किया जाता है जो भारोपीय भाषा अर्थात इंडो यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आती है और जिसकी अनेक बोलियां थी जैसे शौरसेनी मागधी पाली और महाराष्ट्री बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने धर्म का प्रचार प्राकृत में किया था प्राकृत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है हाल रचित गाहा सत्सई अर्थात गाथा सप्तशती प्राकृत प्राकृत संस्कृत लफ्ज प्राकृति से मुश्तक है जिसके मानी फितरी है इसका इस्तेमाल एक कदीम जबान के तयन के लिए किया जाता है जिसका ताल्लुक हिंद यूरोपी अहलुल लिसान खानदान से था उनकी जबानों की बोलियां मुख्तलिफ थीं जैसे शोरसेनी मगधी पाली और मराठी बौद्ध और महावीर दोनों ने प्राकृत जबान में तबलीग की प्राकृति मतून में सबसे मशहूर हालांकि घासत्साई यानी घाता सपतसाई है प्रशस्ति इट इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स इन प्लेस ऑफ this term was used for a kind of eulogistic inscriptions usually composed by court poets in praise of patrons in general and rulers in particular. precious these included the genealogy of the ruler or patron his physical attributes praise of his political successes and details of his social and cultural activities and piety. Prashastis naturally tend to exaggerate the achievements of the ruler yet they remain an important source of information some well-known examples of this kind of inscriptions are the Allahabad Prashasti of the 4th century CE Gupta emperor Samudragupta and a whole prashasti of Chalukya ruler Pulakeshin II Prashasti प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा में इस शब्द का प्रयोग एक प्रकार के प्रशंसात्मक अभिलेखों के लिए किया जाता था जो आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं अथवा किसी खास शासक की प्रशंसा में लिखे जाते थे प्रशस्तियों में शासक या आश्रयदाता के वंश उसके शारीरिक गुणों राजनीतिक सफलताओं की प्रशंसा और उसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों तथा पुण्य कार्यों का विवरण दिया जाता था वैसे तो प्रशस्तियों में शासक की उपलब्धियों को बढ़ा चढाकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति रहती थी फिर भी वे जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत तो है ही प्रशस्तियों के सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं ईसा की चौथी सदी के गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति और चालुक्य के राजा पुलकेशन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति पेज 99 प्रशस्ति ये एक संस्कृत लफ्ज है जिसके लघवी मानी किसी की तारीफ है इसका इस्तेमाल एक तरह की तारीफी कुतबों में किया जाता था जो आमतौर पर दरबारी शाहरा के जरिए सरपरस्तों और बिलखसूस हुक्मरानों की तारीफ में तैयार किए जाते थे इन प्रशस्तियों में बादशाह या मुरबी का शिजरा एक कंसब उनकी जिसमानी खसूसियात सियासी कामयाबियों समाजी और काफाती सरगर्मियों और नीकियों का तफसीली तस्करा मिलता है प्रशस्तियों में फित्री तौर पर बादशाह की कामयाबियों को बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है ताहम ये मालूमत के अहम माखज हैं चौथी सदी के गुप्ता हुक्मरान समुद्र गुप्त की अलाहाबाद प्रशस्ति और चोलुक्य राजा पुलकेशिन पुलकेशन की एहोल प्रशस्ति उसकी बेहतरीन मिसालें हैं प्रतिलोम द टर्म डिनोट्स मैरिज बिटवीन मैन ऑफ लोअर वर्ण एंड वुमेन ऑफ हायर वर्ण फ्रॉम द ब्रह्मनिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रतिलोम मैरिजेस वर नॉट एज एक्सेप्टेबल एज द अनुलोमा वंस सी सीओल्सो अनुलोम प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह का तात्पर्य ऐसे विवाह से था जो निम्न वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री के बीच होता था ब्राह्मण धर्म के अनुसार प्रतिलोम विवाहों को उतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी जितनी कि अनुलोम विवाहों को अनुलोम भी देखें प्रतिलोम ये इस्तला निचली जात के मर्द और ऊंची जात की औरत के दरमियान होने वाली शादी को बताती है ब्राह्मणी नुकता नजर से प्रतिलोम शादी इतनी मकबूल नहीं थी जितनी के अनुलोम शादी थी मजीद देखें अनुलोम प्रीहिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ पीरियड विद ह्यूम हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग फॉर दिस पीरियड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दी ओनली सोर्सेज प्राग इतिहास ये वो काल था जब मनुष्यों को लेखन कला की कोई जानकारी नहीं थी इस काल के बारे में जानने के लिए पुरातात्विक साधन ही एकमात्र स्रोत है माकबल तारीख इस अथिला से मुराद वो दौर है जिसमें इंसान लिखना नहीं जानता था इस दौर के लिए वाहिद माखिज आसार कदीमिया है प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसीज़ In the context of India, the term historically refers to the three territorial units of the English East India Company on the eastern and the western coasts that were administered with Madras, Calcutta, and Bombay as their centres. Since each of these territorial units was administered by a president, or governor with a council consisting of the senior servants of the company these came to be known as the presidencies initially each of these presidencies were directly answerable to the court of directors in london However, beginning with the Regulating Act of 1773, which culminated in the Charter Act of 1833, the Governor General of the Bengal Presidency came to exercise overall authority over the other two Presidencies as the Governor General of India in Council. In the person of that Governor General, the people of India saw the supreme authority over Indian affairs. Presidency प्रेजिडेंसिया भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टि से इस शब्द का तात्पर्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर स्थित उन तीन क्षेत्रीय इकाइयों से है जिनका प्रशासनिक केंद्र क्रमशः मद्रास कलकत्ता और बंबई था चूंकि इन तीनों में से प्रत्येक इकाई कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक परिषद के साथ प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा प्रशासित होती थी इसलिए उन्हें प्रेसिडेंसियां कहा जाने लगा प्रारंभ में इनमें से प्रत्येक प्रेसिडेंसी प्रत्यक्ष रूप से लंदन स्थित निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी थी सत्रह सौ के रेगुलेटिंग एक्ट के लागू हो जाने पर जो कि आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अन्य दो प्रेसिडेंसियों पर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल के रूप में अपने सर्वोपरि प्राधिकार का प्रयोग करने लगा था भारतीय लोग तब ये समझने लगे थे कि भारत का गवर्नर जनरल ही समग्र भारतीय मामलों में सर्वोच्च प्राधिकारी है प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसीज़ हिंदुस्तानी सियाक में तारीखी लिहाज से इस असलाह से मुराद हिंदुस्तान के मशरकी और मगरबी साहिलों पर वाक ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन इलाकाई इकाइयों से है जिनके इंतजामी मराकज मद्रास कलकत्ता और मुंबई थे चूंकि उनमें से हर एक इलाकाई इकाई का नज्मो नस्क कंपनी के मुख्तलिफ सीनियर कारिंदों की मदद से प्रेसिडेंट यानी सदर या गवर्नर करता था इसलिए उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था इब्तदा में उनमें हर प्रेसिडेंसी बर रास्त लंदन में वाक के नाजिम की अदालत को जवाब दे थी लेकिन सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के नाफिज हो जाने पर जो के बाद में 1833 के चार्टर एक्ट पर इंतहा को पहुंच गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल दोनों प्रेसिडेंसियों पर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल की हैसियत से मजमुई तौर पर इख्तियार का इस्तेमाल करने लगा था तब हिंदुस्तान के लोग ये समझने लगे थे कि हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल ही को हिंदुस्तानी मसाइल पर सबसे आला इख्तियार है प्राइमरी सोर्स A primary source is a document or an artifact which was written or created either during or relatively close to the historical period being studied. Primary sources can also include autobiographies, memoirs, and oral histories, etc. These were recorded later by authors or eyewitnesses who experienced this period. Some important types of primary sources include. आर्ट इफेक्ट्स इंस्क्रिप्शन क्वाइंस केवाट पॉट्री ज्वेलरी क्लोदिंग एक्सेट्रा टेक्सचुअल सोर्सेज इंक्लूड डायरीज स्पीचेस मेन्यूस्क्रिप्ट लेटर्स इंटरव्यूज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पोएट्री ड्रामा नॉवल्स एक्सेट्रा पेज हंड्रेड प्राथमिक स्रोत प्राथमिक स्रोत एक ऐसा दस्तावेज या शिल्प कृति होता है जिसे अध्ययनधीन ऐतिहासिक अवधि के दौरान या अपेक्षाकृत आसपास के समय में लिखा या बनाया गया था प्राथमिक स्रोतों में आत्मकथाएँ संस्मरण और मौखिक इतिहास आदि भी सम्मिलित हैं इन्हें बाद में उन लेखकों या प्रत्यक्ष साक्षियों द्वारा लिखा गया जिन्होंने उस अवधि का स्वयं अनुभव किया था कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतें शिल्पकृतियाँ अभिलेख सिक्के गुफा संबंधी कला मिट्टी के बर्तन गहने कपड़े आदि लिखित स्रोतों में डायरिया भाषण पांडुलिपियां, पत्र साक्षात्कार सरकारी अभिलेख काव्य नाटक उपन्यास आदि शामिल हैं बुनियादी माखिज बुनियादी माखिज से मुराद वो दस्तावेज़ या मसनूआत हैं जिनकी किताबत या तख्लीक ज़ैर मुत अहद में ही या नस्बता करीबी दौर में हुई हो बुनियादी माखज में ख़ुदनोश्त तस्करे और ज़बानी तवारीख़ वग़ैरह शामिल हैं इन्हें बाद में ऐसे मुसन्फिन या आइनी शाहिदों ने तहरीर किया हो जिन्हें ज़ैर मुत ज़माने या वाक़्या का तजुर्बा हो बुनियादी माखज़ की बाज़ अहम क़स्मों में मसनुआत कुत्बे सिक्के गुफाई फनकारी मिट्टी के बर्तन जेवरात मलबूसात वगैरह शामिल हैं तहरीरी माखज़ में डायरी खुतबात मख़तुआत, खतूत इंटरव्यूज़ सरकारी मंदराज शायरी ड्रामा और नावलें वगैरह शामिल हैं प्राइमेट्स दर्म रेफर्स अब ग्रूप ऑफ मैम्स देप्स एंड ह्यूम्स दे हैव बॉडी हेयर अ रिलेटिवली लॉन्ग जस्टेशन पीरियड मेमोरी ग्लैंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेंपरेचर। प्राइमेट अर्थात आदिमानव आदिमानव स्तनपाई जीवों का एक उपवर्ग होता है इस उपवर्ग में बंदर लंगूर और मनुष्य शामिल हैं इनके शरीर पर बाल होते हैं अपेक्षाकृत लंबी गर्भावस्था होती है ग्रंथियां और भिन्न भिन्न किस्मों के दांत होते हैं और उनमें शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखने की क्षमता होती है हैवान रईसा इस इतलाह इस से मुराद थार तबके की एक जैली जमात है जिसमें बंदर चिमपैनजी और इंसान शामिल हैं उनके जिस्म पर बाल होते हैं निस्बतान ये ज्यादा दिनों तक हामला रहते हैं उनके जिस्म पर थन वाले गुदूद यानी पस्तान मुख्तलिफ किस्म के दांत और जिस्मानी हरारत को मुस्तकिल बरकरार रखने के लिए सलाहियत होती है प्रिंसली स्टेट्स द टर्म रेफर्स टू दोज अटोनमस इंडियन स्टेट्स और प्रिंसिपैलिटीज विच हैड कम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिसंटीग्रेशन ऑफ द मुगल and survived through the colonial period until their merger with the Indian Union after the country's independence by some count these princely states numbered five sixty two and covered one third area of the subcontinent during the heydays of colonialism, most of these princely states had accepted the British paramountcy by entering into the subsidiary alliance and other similar agreements. On the eve of independence, many of these states worked on various schemes to form a union of their own as sovereign entities. However, under the Mountbatten Plan, they were allowed to join either India or Pakistan. Consequently as many as 136 states joined the Indian Union by 15th August 1947 and many more followed suit after that In certain instances as in the case of Hyderabad police action had to be resorted for its merger Riyasati is shabd ka taat un Bharatiya swayat या रजवाड़ों से है जो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अस्तित्व में आए और औपनिवेशिक काल में बराबर बने रहे तथा गतवा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भारतीय संघ में मिल गए एक गणना के अनुसार रियासतों की संख्या पांच थी और वे उपमहाद्वीप के तिहाई हिस्से में फैले हुए थे औपनिवेशिक सत्ता के स्वर्णकाल में अधिकांश रियासतों ने सहायक संधि और ऐसे ही अन्य समझौतों के अधीन ब्रिटिश प्रभुता स्वीकार कर ली थी स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर इनमें से बहुत सी रियासतें स्वतंत्र इकाइयों के रूप में अपना एक संघ बनाने की विभिन्न योजनाएं बनाने में संलग्न थीं किंतु माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ मिलने की अनुमति थी फलस्वरूप 136 रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत संघ के साथ अपना संबंध जोड़ लिया और बची हुई बहुत सी रियासतों ने बाद में उनका अनुकरण किया हैदराबाद जैसी कुछ एक रियासतों के मामले में उनके विलय के लिए पुलिस कार्रवाई का, का सहारा लेना पड़ा नवाबी रियासत इस इस्तिला से मुराद हिंदुस्तान की ख़ुद मुख्तार रियासतें या हुकूमतें हैं जो मुग़ल शहशाइत के मुंतसिर हो जाने के बाद कायम हुई थीं और पूरे नोबादियाती दौर में बाकी रही और मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी इतिहाद में शामिल हो गईं बाज़ आदाद शुमार के मुताबिक नवाबी रियासतों की तादाद पाँच सौ बासठ थी जो कि सगीर की एक तिहाई हिस्से पर मुश्तमल थी ऐहद मुआवनत और उसी तरह के दूसरे माहिदों में शामिल होकर इन नवाबी रियासतों में अक्सर ने नौ आबादियत के ज़माना रूज में बरतानवी इकतदार आला को कबूल कर लिया था आज़ादी के मौके पर इनमें बहुत सी रियासतों ने खुद मुख्तार रियासत के तौर पर आपसी इतहाद के लिए मुख्तलफ़ मनसूबों पर काम किया ताहम माउंट बेटन प्लान के तहत इन रियासतों को हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ मिलने का इख्तियार दिया गया था नतीजे में तकरीबन 136 रियासतें हिंदुस्तानी इतिहाद में 15 अगस्त उन्नीस को शामिल हुई और उसके बाद मजीद दीगर रियासतों ने भी उसकी इतबा की ऐसी मिसालें हैं जिनसे पता चलता है के इतिहाद में शामिल करने के लिए पुलिस के जरिए कार्रवाई करनी पड़ती थी जैसे हैदराबाद प्रोलिटेरियनाइजेशन इट रेफर्स टू दैट सोशो हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन मिडल क्लास ऑक्यूपेशंस टेंड टू इंक्रीजिंगली लुक लाइक वर्किंग क्लास वोकेशन देयर रिजल्टिंग मेकिंग सम सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ द प्रोलीटेरियत पेज 101. सर्वहारा करण ये शब्द एक ऐसी सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का द्योतक है जिसके तहत कुछ मध्यम वर्गीय धंधे अधिकाधिक श्रमजीवी वर्ग के पेशों जैसे दिखाई देने लगते हैं परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग के कुछ हिस्से अवनत होकर सर्वहारा स्तर पर पहुंच जाते हैं प्रोला इससे उच्च समाजी तारीखी अमल की तरफ इशारा है जिसके तहत कुछ मुतवास तबके के पेशे मेहनत कश तबकों के पेशे जैसे मालूम होते थे जिसके नतीजे में मुतवास तबके के कुछ हल्के प्रोला के मर्तबे तक पहुंच गए प्रोलिटेरियत द टर्म इज डिराव फ्रॉम द लेटिन वर्ड प्रोलिस विच लिटरली मीन्स ऑफ स्प्रिंग In ancient Rome it referred to that segment of the society which served the state by providing children as a social class it was consisted of the landless poor including artisans and small traders in 19th century karl marx used the term to refer to the class of wage workers who were engaged in industrial production they were specifically distinguished from those who owned the means of production like financial capital, land, and the machineries, and also controlled the distribution of its products or material goods. Marx referred to the class of these people as the capitalist class or the bourgeoisie. In the Communist Manifesto Marx envisioned a class struggle between these two classes which would eventually result in the emergence of a classless society ensuring in between a dictatorship of the proletariat Sarvahara Angrezi bhasha ka proletariat shabd Latin shabd prolet से hai jiska hai santan प्राचीन रोम में इस शब्द का प्रयोग समाज के उस वर्ग के लिए किया जाता था जो बच्चों के रूप में राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे एक सामाजिक वर्ग के रूप में इसमें कारीगरों तथा छोटे व्यापारियों सहित भूमिहीन गरीब लोग शामिल थे 19वीं शताब्दी में मार्क्स ने इस शब्द का प्रयोग उन वेतन भोगी कामगारों के वर्ग के लिए किया था जो औद्योगिक उत्पादन में संलग्न थे ये वर्ग स्पष्ट रूप से उन लोगों से एकदम अलग था जो वित्तीय पूंजी भूमि और मशीनरी जैसे उत्पादन के साधनों के मालिक थे और उनसे उत्पन्न माल तथा वस्तुओं के वितरण को भी नियंत्रित करते थे मार्क्स ने इस वर्ग के लोगों को पूंजीपति अथवा बूर्जवा कहा था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने यह कल्पना की थी कि इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा जिसके फलस्वरूप अंतोदगत्वा एक ऐसे वर्गहीन समाज का उद्भव होगा जिसमें सर्वहारा वर्ग का वर्चस्व रहेगा प्रोलिटेरियत, यानी मेहनत कश तबका यह इसला लातनी लफ्स प्रोलेस से मुश्तक है जिसका लफ्जी मफहम औलाद है यह कदीम रोमी समाज के एक तबके को बयान करता है जो बच्चों की फराहमी के जरिए रियासत की खिदमत करता था समाजी तौर पर यह तबका ज़मीन से महरूम गरीबों कारीगरों और छोटे ताजिरों पर मुश्तमल था 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने इस अतला का इस्तेमाल उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए किया था जो सनती पैदावार में मसरूफ थे उन्हें बिलखसूस उन लोगों से अलग किया जाता है जो जराए पैदावार मसलन माली सरमाया ज़मीन और मशीनों के मालिक होते थे और तकसीम पैदावार या मादी सामान भी उनके तसलुत में होते थे मार्क्स ने इन्हीं लोगों को सरमाएदार और बॉर्सविक तबके के तौर पर बयान किया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने यह नजरिया पेश किया था कि इन दोनों तबकों के माबीन तबकाती मुकाबला होगा और बिल आखिर तबका बंद समाज के इर्दका में यकीनी तौर पर प्रोलातारियों का बोलबाला होगा। प्रोटेस्टेंट, the term is derived from the English word protest. It refers to those who dissented against the authority of the Pope and the medieval Catholic Church. See also Church. प्रोटेस्टेंट ये शब्द अंग्रेजी के प्रोटेस्ट शब्द से बना है इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने पोप और मध्यकालीन कैथोलिक चर्च की सत्ता का विरोध किया था चर्च भी देखें प्रोटेस्टेंट ये इस्तला अंग्रेजी लफ्ज प्रोटेस्ट से मुश्तक है जिससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने पोप एहदोवस्ता के कैथोलिक कलीसा हुकूमत की मुखालफत की थी मजीद देखें गिरजा प्रोटेस्टेंट चर्च द टर्म रेफर्स टू द चर्च इज केम इन टू इन सिक्सटीन सेंचुरी यूरप फॉलोइंग द रेफोमेशन मूवमेंट सी ऑल्सो चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च इसका तात्पर्य उन चर्चों से है जो सुधारवादी आंदोलन के बाद सोलहवीं शताब्दी में अस्तित्व में आए चर्च भी देखें प्रोटेस्टेंट कलीसा इस इसलाह से मुराद वो कलीसा हैं जो तहरीक इसलाह के बाद सोलहवीं सदी यूरोप में वजूद में आए मजीद देखें कलीसा प्रोटो हिस्ट्री द टर्म जनरली रेफर्स टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री दिस वर्ड कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स In the European context, it generally referred to a culture or civilization which did not develop writing but which is mentioned in the written records of a contemporary literate group. In the Indian subcontinent, the Harappan civilization, a literate culture with an undeciphered script, is generally classified as proto historic.

यूरोपीय संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर उस संस्कृति या सभ्यता के लिए किया जाता है जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था लेकिन जिसका उल्लेख समकालीन साक्षर समूह के लिखित रिकॉर्डों में मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता को जो अपठित लिपि वाली साक्षर संस्कृति थी आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है इस शब्द का प्रयोग प्राय पंद्रह सौ से पांच सौ ईसा पूर्व तक की अवधि के लिए भी किया जाता है जब मौखिक रूप से प्रचलित साहित्य अर्थात वेद तो था पर उस समय लेखन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता पेज वन हंड्रेड टू इब्तिदाई तारीख आमतौर पर इस इतलाह से माकबल तारीख और तारीख की दरमियानी मुद्दत ली जाती है इस लफ्ज के मुख्तलिफ मायने हैं यूरोप के सियाक में इससे बुलमूम ऐसी तहजीब या सकाफत मुराद ली जाती है जिसमें लिखावट को तरक्की नहीं मिली मुआसिर ख्वांडा तबके ने इसका जिक्र अपने तहरीरी रिकॉर्ड में किया है बर्र सगीर हिंद में ख्वांडा हड़प्पाई तहजीब को जिसका रस्मुलख नाकाबिल फहम है आमतौर पर दौरे माकबुल तारीख के तौर पर बयान किया जाता है इस इस्तेह का इस्तेमाल पंद्रह सौ से पांच सौ कबल मसीह तक के दौर के लिए भी किया जाता है जिसमें लसानी अदब यानी वेदों तो था लेकिन तहरीर का कोई सबूत नहीं मिलता पंच मार्क्ड क्वाइंस द ओल्डेस्ट अनइंस्क्राइब्ड क्वाइंस फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सिरका सिक्स सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट स्टैंप्ड विथ सिंबल्स ऑन वन साइड Hence, they are called punch marked coins. They were mostly made of silver and some of copper. These were generally rectangular and sometimes square or round in shape. Most of the silver punch marked coins weighed 32 rattis or about 56 grains. That is, grain is a weight measure used for metals. One grain is equal to 64.79 milligrams they are identified with karshapana Shataman, etc which are mentioned in textual sources these coins are found all over the subcontinent and remained in circulation in many places till the early centuries ce ahad sikke prachinatam sikke jo upmahadweep mein 6th shatabdi isa se उन पर कोई अंक या अक्षर नहीं खुदा हुआ था बल्कि उन पर एक तरफ कुछ प्रतीक चिन्ह अंकित थे इसलिए ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है वे अधिकतर चांदी और कभी कभी तांबे के भी होते थे वे आमतौर पर आयताकार थे यद्यपि कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार भी होते थे चांदी के आहत सिक्कों में से अधिकांश का भार 32 रत्ती यानी लगभग छप्पन ग्रेन होता था अर्थात ग्रेन धातुओं के भार को मापने की इकाई होती है एक ग्रेन बराबर है चौंसठ नौ मिलीग्राम इन सिक्कों की पहचान लिखित स्रोतों में उल्लिखित कारशापण शतमान आदि से की जाती है ये सिक्के उप महाद्वीप के सभी भागों में पाए गए हैं और वे ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों तक अनेक स्थानों पर चलन में रहे कुंधे सिक्के कदीम तरीन गैर कुंधे सिक्के जो बर्रे सगीर में तकरीबन छठी सदी कबल मसीह पाए गए हैं इन पर कोई हर्फ कुंधा नहीं था बल्कि उनके एक रुख पर आलामाती मोहर लगी हुई थी इसलिए उन्हें ठप्पेदार सिक्के कहा जाता है उनमें ज्यादातर चांदी और कुछ तांबे के बने हुए थे यह आमतौर पर मुस्ततील थे लेकिन कभी कभी मुरब्बा या गोल भी होते थे ज्यादातर चांदी के ठप्पेदार सिक्कों का वजन 32 रति या तकरीबन 56 ग्रेन होता था एक ग्रेन चौंसठ अशारिया उन्यासी मिलीग्राम के बराबर होता था इन सिक्कों की शिनाख्त कारशापण और शातमान वगैरह जैसे अल्फाज में हुई है जिनका तस्करा मतनी माखजों में मिलता है ये सिक्के पूरे बर सगीर में पाए गए हैं जिनका चलन इब्तदाई सदियों तक जारी रहा लेटर पी ऑफ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल्स एंडियर रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद trilingual dictionary you were just listening to this presentation project coordination rajesh nimesh subject coordination dr Sima shukla ojha project advice dr bharti kaushik technical coordination buti langlingdo assistance in production jagbandhu jana framework advice ajit horo production coordination vandana arimardan produced and directed by vimlesh Chaudhri. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.